बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, और थोड़ा सा गैप के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो बस बच्चों के साथ कुछ मसरूफियात थी, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना सकी हूँ। तो आप लोगों से कनेक्ट रहने के लिए बस और वीडियोज़ वगैरह शेयर करती रही हूँ रेसिपीज़ की, लेकिन ब्लॉग्स बनाना थोड़ा मुश्किल हो गया था, इसलिए थोड़ा सा गैप दे दिया है। आप लोगों से कनेक्ट रहना मुझे अच्छा लगता है, आप लोगों के साथ शेयर करना, तो फैमिली की तरह हैं आप सब, बहुत इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतने अच्छे से कमेंट्स करते हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम लोग हॉस्पिटल जा रहे थे छोटे बेटे की, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम इसकी दवाई लेने जाते हैं, तो सोचा साथ साथ वीडियो भी बनाती हूँ। तो बस इनको मैं तैयार कर रही थी दोनों को, और दोनों तैयार हो गए थे और बस अपनी अपनी शरारतें कर रहे थे, उसके बाद हमने जाना था। तो ये छोटे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, आप लोगों को जैसे पता है कि बीच में इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो काफ़ी डॉक्टर के पास लेके गए पर इसको आराम नहीं आया। तो फिर हम उसकी एक होम्योपैथी की दवाई शुरू की है, तो उससे माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। तो फिर अब कंटिन्यू वही दवाई हम करते हैं, तो उसके पास जाते हैं, तो फिर चेकअप वगैरह भी होता है, तो उस दवाई से उसको काफ़ी बेहतर हो गया है, वरना बहुत वीक हो गया था ये और उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो ये वो डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल है, छोटी सी क्लिनिक ही है, तो यहाँ पर हम दवाई लेने आए हुए हैं। तो हम लोग नंबर के इंतज़ार में वेटिंग पे बैठे हुए थे, तो ये बेटी मेरी जो है वो शरारतें कर रही थी, मज़े से खेल रही थी, तो खुश बहुत खुश होती है ऐसी आउटिंग वाली जगह पे जाएँ, एक तो इसके मज़े हो जाते हैं घूमने फिरने के, तो बस इसी वजह से भी ये खुश रहती है। और बड़े वाले दोनों बेटों को घर पर छोड़ के आए हैं, तो फिर इसको ही साथ लेकर आए हैं। और यहाँ पे इस दवाई लेते हैं तो फिर थोड़ा सा इसको आराम हो जाता है, वरना मैं काफ़ी परेशान हो गई थी उसकी सेहत की वजह से। वो किसी डॉक्टर को भी उसके मसला समझ नहीं आ रहा था, वो बहुत ज़्यादा रोता था, रातों को उठ के तंग करता था। उस दौरान भी मैंने काफ़ी गैप कर दिया था वीडियोस का, कि व्लॉग नहीं बना पा रही थी, कि उसकी तबीयत संभल ही नहीं पा रही थी और बहुत मुश्किल हो रही थी। तो अब अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर है, थोड़ा सा ग्रो भी कर रहा है माशाल्लाह, क्रॉलिंग वगैरह स्टार्ट कर दी है और थोड़ी सी उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। तो इंशाल्लाह आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करें, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, और कोई सजेशन देनी हो तो उसको कमेंट में लाजमी बताया करें, ताकि मैं अपनी वीडियोज़ को और बेहतर बनाने की कोशिश करूँ। उसके बाद हम लोग शॉपिंग करने आ गए थे, थोड़ी सी ग्रॉसरी की शॉपिंग करनी थी, साथ ही शॉपिंग मॉल था तो वहाँ पर आ गए थे। तो उसके बाद फिर हम शॉपिंग के लिए आ गए, और सर का चलो थोड़ी सी बच्चों की आउटिंग भी हो जाती है और फिर हम शॉपिंग भी कर रहे हैं, तो हम शॉपिंग मॉल में आ गए थे।
बस थोड़ी बहुत हमने विंडो शॉपिंग की, और उसके बाद थोड़ी बहुत ग्रॉसरी की, बच्चों के लिए लंच वगैरह के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो हमने कहा चलो ये पास में से ले लेते हैं। बस वो शॉपिंग की और काफ़ी देर हो गई थी, बड़े बच्चे घर में वेट कर रहे थे, तो हमने सोचा बस अब चलते हैं घर। तो बस मेरे बच्चों के लिए खुसूसी दुआ कीजिए, उनको दुआ में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूँगी, अब आपके साथ रहूँगी, तो दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।